दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मिड कैप क्रैश कमिंग की वीडियो देख ली होगी। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई ये खाली एक थंबनेल है, क्लिक बेट है लोगों को व्यूज गैदर करने के लिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया ये थाली के बैंगन वाली बात हो गई, कल तो कह रहे थे बाजार तेज है, आज कह रहे हो बाजार मंदा है। बहुत ही क्लियरली साफ शब्दों में मैं एडमिट करता हूं इस चीज को, जी हां, मैं थाली का बैंगन हूं। मैं बाजार के साथ रहता हूं, बाजार तेज है तो मैं तेज हूं, बाजार मंदा है तो मैं भी मंदा हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि भैया बेयर कार्टल क्या कह रहा है और बुल कार्टल क्या कह रहा है। बाजार में दो तरह के कार्टल होते हैं, तेजड़िए और मंदड़िए। भैया तेजड़िए तेजी में पैसा कमाते हैं, मंदड़िए मंदी में पैसा कमाते हैं। वो जो हमारे ऐसे सो कोल्ड दल बंधु लोग होते हैं ना, वो दोनों तरफ पैसा कमाते हैं। एक बात बताओ, आप कॉल के टाइम पे कॉल करते हो, तेजी होती कॉल खरीदते हो, और मंदी के टाइम पे पुट खरीदते हो ना, तो क्या आप दल बंधु नहीं हो? अगर हो तो कामयाब रहोगे, जिंदगी भर बाजार में बैठे रहोगे, करियर लंबा होगा, पैसे भी बनाओगे, लॉसेस लगे भी होंगे तो कवर भी हो जाएंगे। बट अगर मैं सोच के बैठ जाऊं, नहीं यार मेरा तो एनएचपीसी ना भैया, मुझे तो 100-150 के ऊपर अच्छा लग रहा था, सुजलोन तो मुझे 40 के ऊपर अच्छा लग रहा है, मैं तो खरीद के बैठूं, 40 का ही चीज अगर 30 रुपए आ जाए मैं तो नहीं बेचने वाला। क्यों नहीं बेचने वाला? अगर मैं 2-5 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो 40 से 30 में फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, अपॉर्चुनिस्टिक हूं, मौका परस्त हूं, तो मुझे मौका परस्ती करनी चाहिए, आपको भी सीखनी चाहिए। कल एक बार नजर डालते हैं, ये कल वीडियो डाल दी थी आपके सामने मैंने, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी एक वीडियो डाली, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, इसको जाके जरूर देखना। जब हमने देखा कि भैया बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी खबर आई नहीं चला, SGVN की बड़ी खबर आई नहीं चला, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सुजलोन के ऊपर वीडियो आई, सुजलोन के ऊपर बहुत सारे नए नए पॉलिसी का इसके ऊपर असर आया, गिरा, पर बहुत सारे ऑर्डर उसके बाद भी मिले, फिर भी नहीं चला। तो घूम फिर के हमने समझा कि भैया अब माल निकाल देना चाहिए बजाय कि जबरदस्ती बैठे रहने के। क्यों? क्योंकि अभी भी हम बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं। इस भी कल की वीडियो में हमने बात की थी मिड कैप शेयर्स की, आज बात करने वाले हैं स्मॉल कैप शेयर्स की, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां पे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ऐसी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, बेबाकी से कहने वाली कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, में गलती मानने वाली इन्फॉर्मेशन यही मिलने वाली है। लोग वीडियो बना के चले जाते हैं, मैं वीडियो बनाने के बावजूद भी आपके साथ रहता हूं। अगर शेयर्स खराब होंगे तो जिम्मेदारी लेंगे, शेयर्स अच्छे होंगे तो क्रेडिट भी लेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और एक प्यार देने के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं, और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब कोई ये ढूंढ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूं, बट हां मैं आपको वो सीरियस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो लाइफ टाइम आपको नहीं मिलेंगी। अगर बाजार में आप अब टिक गए तो बाजार में जिंदगी भर टिके रहोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। उससे पहले ये देख लेते हैं, ये फाइज का प्लेटफॉर्म है, जाके फ्री अकाउंट खोलना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत मस्त है टेक्निकल एनालिसिस के। ये जितने भी शेयर्स कल डिस्कस किए थे हमने, आज सभी स्टॉक्स 8-8% गिरे, 8%, 6%, 7% सेल लगी हुई है। अगर किसी ने कल भी कुछ शेयर्स निकाले होंगे ना, तो वहां से भी 8-10% के आसपास का प्रॉफिट आपके शेयर्स में हो रहा होगा। बहुत सारे शेयर हैं जो अंधाधुंध गिरे होंगे, एक नजर डाल लेते हैं। एनएससी के टॉप गेनर्स में आज ITC है, ITC गेनर है 5%, बाकी सब 1% के आसपास में। निफ्टी 50 के अलावा अगर आप बात करोगे सिक्योरिटीज अंडर 20, लूजर्स की भी जाने की कोशिश करोगे, तो देखो नैलको 7% टूटा हुआ है, आइडिया 6% टूटा हुआ है, पावर ग्रिड 6% टूटा हुआ है, बड़े भारी शेयर्स टूटे हुए FNO सिक्योरिटीज में। 20 रुपए से कम की सिक्योरिटीज देखोगे तो लाइन लगी हुई, 14-14% गिरे हुए हैं, 14-14% चीजें गिरी हुई हैं। अगर कल भी आपने माल बेचा होगा तो, अगर आपको अभी भी चीजें समझ नहीं आ रही तो एक बार चार्ट के पास चलते हैं। कल मिड कैप इंडेक्स की बात की थी, आज स्मॉल कैप इंडेक्स की बातें करते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स हमारा चला था 3,500 से, ये मार्च 2023 में, एग्जैक्ट एक साल पहले 3,537 पे जो इंडेक्स था वो चलते चलते हो गया आपका 1,200, डबल। मिड कैप जब डबल हुआ, डबल से ज्यादा हुआ, तो उसके स्टॉक्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम चले। स्मॉल कैप के शेयर्स 10 टाइम्स चले हैं, पेनी स्टॉक्स की बातें कर रहा हूं, 10 टाइम्स। क्योंकि जब इंडेक्स चलता है ना, तो इंडेक्स के साथ में जो गधे घोड़े गंदे शेयर अच्छे शेयर सब चलते हैं, है ना। यूनिटेक जैसा शेयर 1 रुपए से लेके 14 रुपए, 14 गुना हो गया यूनिटेक, है ना। जेपी पावर कहा 6-7 रुपए से जाके 20-25 रुपए पे जाके खड़ा हो गया। मतलब स्मॉल कैप शेयर में भी आग लगी हुई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी अगर आप निकलते हो तो मैं, देखो फाइनल डिसीजन आपका, ये मत कहना विपुल तुमने टॉप पे निकाल दिया, भैया निकल गए बाजार क्रैश हुआ आप धन्यवाद दोगे, मुझे पता है। अगर यहां से बाजार वापस चला मुझे गाली देने वाले हो, तो यहाँ पे एक प्लान करते हैं ना, प्लान ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लान क्या रहेगा कि बाइंग जो करनी है ना, बाइंग करेंगे जो इस महीने का हमारा टॉप है मिड कैप निफ्टी का 5,000, स्मॉल कैप निफ्टी का 5,760 के ऊपर चले ना, तो आज का जो बॉटम है 5,496, मतलब 5,500 के आसपास का, इस बॉटम को, इस महीने का बॉटम, बेसिकली आज का ये नहीं है, इस महीने का बॉटम है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ में आप स्मॉल कैप में फिर से बाइंग कर लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि स्मॉल कैप है ना, बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से गिरते हैं,
पर एसएमई स्टॉक वालों की तो बिल्कुल वाट लगी पड़ी होगी, एसएमई वालों को तो पता नहीं लग पा रहा हो कि हमें निकलना कब है घुसना कब है। यही स्मॉल कैप के साथ में लगातार लोअर सर्किट्स, लगातार लोअर सर्किट्स। पर क्योंकि हो क्यों ना, सेबी चेयरमैन ने अभी आप सब लोगों को चेतावनी दे दी है। देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सिर्फ लिखिए सेबी चेयरमैन ऑन मिड कैप, गूगल अपने आप बोल रहा है। सेबी चेयरमैन माधवीपुरी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ फ्रॉथ इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स एज शी रेफर्ड टू द ऑफ द चार्ट्स वैल्यूएशंस इन दिस मार्केट सेगमेंट्स दैट इंडिकेट्स प्राइस मैनिपुलेशन इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट। एक दिन पुरानी खबर है, मैंने बिल्कुल टाइम पे आपको न्यूज बना के दिए, बिल्कुल टाइम पे वीडियो बना के दिया। चेयरमैन को, जब सेबी चेयरमैन को लग रहा है कि स्मॉल कैप और जो मिड कैप शेयर्स हैं उसमें कुछ धांधली हो सकती है, प्राइस मैनिपुलेशन हो सकती है, तो निकलो ना यार, अब क्या बचा हुआ है, क्यों बचे हो? चार्ट को देखो एक बार के लिए, बिल्कुल टॉप पे इंडेक्स डबल हो गया, स्टॉक टेन टाइम्स होते हैं, ये वन ऑफ द काइंड रही थी मेरे हिसाब से। अभी भी बार बार आपको कह रहा हूं मैं, आज आपको एचडीएफसी बैंक की वीडियो आनी थी, बट मुझे लगा स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो बनाते हैं, एचडीएफसी बैंक की वीडियो कल सुबह डालेंगे या कल शाम को डालेंगे, ठीक है ना। पर मैं बता देता हूँ, एचडीएफसी बैंक को मैंने पहले भी डिस्कस किया 1440 के आसपास, पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आज 1460 के आसपास 1470 को लगा चुका है। बड़े शेयर्स में पैसा जाएगा क्योंकि इलेक्शन के बाद जब सरकार बनेगी तो असली रैली लार्ज कैप शेयर्स में आएगी, जो अभी तक नहीं चले हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में करेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप पे हो। अगर आप यहां पे भी निकलते हो तो ये टॉप पे निकल रहे हो आप, आपको परेशानी क्या है? ये आपका हाई है, ये मंथली चार्ट कह रहा है भैया दो महीने से सेलिंग चल रही है, वीकली चार्ट कह रहा है दो महीने से सेलिंग चल रही है, डेली चार्ट कह रहा है सेलिंग चल रही है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अगर ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप नहीं समझ पाओगे। आप वीडियो के नीचे गाली दे सकते हो, क्रिटिक दे सकते हो, कोई इशू नहीं, मोस्ट वेलकम। जितनी गाली निकालनी है निकालो, आप बोल सकते हो भाई कल तक तो खरीदवा रहा था, आज बेच क्यों रहा है, ऐसा ही है बाजार, जैसा बाजार वैसा ही हमारा चार्ट, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अभी तो आरएसआई मुड़ना स्टार्ट हुई है, स्ट्रेंथ कमजोर होनी स्टार्ट हुई है। स्ट्रेंथ आरएसआई इंडिकेटर नहीं है, आरएसआई ये बताता है कि स्ट्रेंथ कैसी है। अब स्ट्रेंथ कमजोर होने लगी है बाजार की स्ट्रेंथ कमजोर होने लगी है, तो स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर में सेल ऑफ आने स्टार्ट हो गया। आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं स्मॉल कैप में, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ शेयर को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जो बहुत अंधाधुंध भागे थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब जेपी पावर को देख लीजिए, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है ना, निकलने का मौका नहीं मिलता। 7 रुपए की चीज 22 रुपए, 3 गुना जो चल नहीं रहा था शेयर वो 6 से 24 पकड़ते, 4 गुना हो गया बेसिकली। अब गिरना तो शुरू हुआ है, सिर्फ लोगों को लग रहा है भैया शायद बच जाएंगे, नहीं होगा। और ऐसा ही शेयर आप देखो यूनिटेक, मतलब जीटीएल इंफ्रा, यूनिटेक, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लोग बात कर रहे थे कि भैया खरीदना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसी कंपनी के में अब निवेश करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। जब इसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया था 8 रुपए के आसपास में था, 8 रुपए से ये शेयर गया 20 रुपए के आसपास, 18 रुपए मैंने खुद बेचा। जिसको प्रूफ चाहिए मेल कर देना, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगा। 18 रुपए के आसपास में खुद निकला था इसमें से, निकलने के बाद में आज ये 10 रुपए के आसपास में आ गया। ये स्मॉल कैप शेयर है ना, स्मॉल कैप, पेनी कैप, माइक्रो कैप्स, मतलब कुछ भी। आपको यहां पे डरा नहीं रहा हूं, लोग कहेंगे भाई डरा रहा है, अरे भाई आपको नहीं डरना, मत डरो, कोई इशू नहीं है। पर अगर मुझे इंडेक्स साफ साफ कह रहा है कि भैया बाजार में से निकलना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं निकलूं? बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो भैया ये देखो, इससे बड़ा प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स कहां पे है, बड़े गैप के साथ में कितना दूर ट्रेड कर रहा है, ये रूल है, ये तो मैंने आपको डेली वीडियो में सिखाया है भाई, कितना बड़ा गैप है, प्राइस कितना दूर है मूविंग एवरेज से। ये भाव मैच करने के लिए जब आना स्टार्ट होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगी। इसको थोड़ा क्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं, वीकली पे क्या हो रहा है, डेली पे क्या हो रहा है, ये जो गैप फिल होने लगेंगे ना, बड़े डेंजरस होने वाले गाइस। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, बेचना है या नहीं बेचना, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, सब आपके ऊपर में है। आपके पास जो भी स्टॉक है, अगर वो डाउनवर्ड रैली, एक आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं एचसीसी की, राइट, फॉर एग्जांपल एचसीसी। अभी देखो एचसीसी आपको मंथली चार्ट के ऊपर सेल ऑफ दिखाई दे रहा है, आप इसको डेली चार्ट पे लेके आ जाओ, डेली चार्ट पे देखो 5A 13 का ब्रेकडाउन हो गया। जब हम 5A 13 के पॉजिटिव ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे हम बाय कर रहे थे, तो क्या इस पे सेल नहीं करेंगे? क्या आपको प्राइस बाय में होता दिखाई दे रहा है कहीं पे भी? भाई नीचे में वॉल्यूम देखो, सेलिंग दिख रही है किसी भी स्टॉक का, हो क्या सकता है? आरएसआई 30 पे आ गई, लोगों को लगे यहां से बाउंस होगा। आरएसआई 30 से 10 जा सकती है, 20 जा सकती है, 8 जा सकती है, 6 जा सकती है, ओवरसोल्ड जोन में वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने भी रह सकती है। ये आपके मेरे हाथ में नहीं है, जब तक स्ट्रेंथ सेलिंग की रहेगी आरएसआई बिलो दी ओवरसोल्ड जोन रहने वाली है। तो आरएसआई के प्योर बेसिस पे आपको काम नहीं करना आएगा, आरएसआई को समझना पड़ेगा, आरएसआई स्ट्रेंथ है। और स्टॉक को देखिए, फॉर एग्जांपल लोग कहेंगे यस बैंक बताओ सर, यस बैंक के ऊपर बहुत वीडियो बनाई, यस बैंक को एक बार देख लेते हैं, यस बैंक क्या कहता है, यस बैंक
ठीक है, यस बैंक फ्यूचर्स में नहीं है। तो यस बैंक मैं बार बार कहता था, देखो ये वीडियो पुरानी है भाई, 25 के ऊपर ठीक है, 25 के नीचे खराब है, 25 के नीचे खराब हुआ तो खराब हो ही गया ना, 21 आ गया। अब इसका एक छोटा सपोर्ट है 20 के आसपास, 20 टूटेगा तो 16 से चला था, 16 पे पैसे लेके तैयार हो बैठा हूं, 16 पे अगर आता है 16 से 20 के बीच में, यहां मेरी एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको करनी नहीं करनी, आपकी मर्जी है। मेरा वॉच लिस्ट रेडी है आज की डेट में कि मैं किस शेयर में काम करने वाला हूं। मेरे 40 से 50 शेयर की लिस्ट रेडी हो चुकी है, उस 40 से 50 शेयर में से कम 10 शेयर ऐसे आइडेंटिफाई करने वाला हूं जिसमें मैं अगले इलेक्शन के बाद अपनी पोजीशन को कैरी करने वाला हूं। तो मार्च से लेकर अप्रैल का जो महीना है ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन का महीना रहेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन का महीना रहेगा, लार्ज कैप में कंसोलिडेशन, क्योंकि मई में जब रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के उसके बाद बाजार भागेगा, जब भागेगा तो अभी ये जितने भी गैप है ये गैप फिल करने का टाइम मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको डराया नहीं होगा, समझाने की कोशिश की है। अगर मैसेज क्लियर हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं क्लियर हुआ हो, कुछ आपके सजेशन हो तो वो भी सजेशन कीजिएगा, और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, देखेंगे क्या वो स्टॉक अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास हुआ तो उसका एनालिसिस करने की वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो प्लीज शर्माए नहीं, दिल खोल के कमेंट कीजिए, दिल खोल के बात कीजिए, आपके हर कमेंट को मैं पर्सनली रीड करता हूं और उसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऐसे खराब समय में आपका सहयोग दे पाऊंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको मोटिवेट कर पाऊंगा कि बाजार में क्या करना है। क्योंकि एक और चीज जाते जाते मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, एक रूल बताता हूं आपको, ठीक है। रूल क्या है, बाजार चलता कैसे है पहले इसको समझ लीजिए, बाजार चलता कैसे, गिरता कैसे, किसी भी टाइम फ्रेम पे मेरा मकसद है आपको सिखाना, ताकि आप किसी एनालिसिस में किसी और के ट्रैप में ना फंसे, आपको खुद काम करना है। जब भी किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में प्राइस हायर हाई हायर लो बना के चलता है, आप हमेशा बाय करते हैं। आप यहां बाय नहीं कर पाए, आप रीटेस्ट पे यहां बाय कर सकते हैं, आप यहां बाय नहीं कर पाए, रीटेस्ट पे यहां बाय कर सकते हैं। रीटेस्ट कैसा होता है, रीटेस्ट जब चलने लगता है तो बॉटम का स्टॉप लॉस होता है। वैसे ही अगर बाजार लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है तो निकलने का टाइम है ना यार। ये स्मॉल कैप में दिखे तो स्मॉल कैप से निकलो, ऐसा मिड कैप में दिखे तो मिड कैप से निकलो, आपके अपने शेयर्स में दिखे तो निकलो, क्यों नहीं निकल रहे हो। यहां नहीं निकल पाए मान लीजिए आप, तो रीटेस्ट करके, ये रीटेस्ट यहां भी हो सकता है, रीटेस्ट यहां भी हो सकता है, रीटेस्ट ऐसे भी हो सकता है। तो जब रीटेस्ट हो आपको देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया आपने, इसके नीचे बाजार चलने लगे तो आपको उसमें से एग्जिट होना ही होना है। एक और रूल जो मूविंग एवरेज हम लगाते हैं 5 फिर 13, अगर प्राइस इससे बहुत दूर है तो उसको करेक्ट करने के लिए यहां आना ही होगा। सेलिंग के टाइम में जब 5 फिर 13 नीचे की तरफ मुड़ जाती है, प्राइस के झटके से अगर यहां आ गया तो शॉर्ट कवरिंग होकर बाजार यहां तक आ सकता है, लोगों को लगेगा बाइंग आ गई। नहीं, ये बाइंग नहीं होगी, ये रीटेस्ट होगा। बाइंग जब होगी, जब इसके ऊपर चले और यहां से हायर हाई हायर लो परफॉर्मेंस देगा तब हम कहेंगे बाइंग, नहीं तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है फेक बाइंग हो, फेक ब्रेकआउट हो, फिर दोबारा से ये ट्रेंड रिज्यूम कर जाए नीचे की तरफ। इस लर्निंग को अगर आपने अपनी जिंदगी में डाल लिया ना तो आप किसी भी शेयर में, किसी भी इंडेक्स में, कभी भी किसी भी मार्केट में नुकसान नहीं खाएंगे। और नुकसान खाना, स्टॉप लॉस लेना, लॉस बुक करना, भैया ये एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर की और ट्रेडर की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप लॉस लेने से डरते हैं तो ये बाजार आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को नीचे आता नहीं देख सकते तो भी बाजार आपके लिए नहीं है। अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपने पोर्टफोलियो को 50% तक क्रैक होता नहीं देख सकते तो आपको इस बाजार में नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको ये पैटर्न समझ में आता है, ऐसा पैटर्न, और अगर मान लीजिए आप यहीं कहीं बेच देते हैं तो 50% की वेट करने की जरूरत क्या है आपको। वॉरेन बफेट दिग्गज है, उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो बहुत कमाल के लोग हैं, मैं उनको उनके बिल्कुल क्या बोलते हैं 1% क्या मतलब चमनी के बराबर भी नहीं हुए, समझता हूं इस चीज को। बट अगर प्राइस आपको ये समझ में आता है कि रिजेक्शन, जब आप यहां पे बाय कर रहे थे हायर हाई हायर लो पे, तो यहां सेल क्यों नहीं करोगे। दिस इज इन द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आपकी मर्जी है, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में दोबारा मिलेंगे। करता हूं तैयारी उस वीडियो की, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि लोग टेंशन में ना रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।